ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मैंने अन्ना मुजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहां से मत करो, मैं यहां से मैं कैंडिडेट हूं, मेरा घर है और यहां पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो, इस घर में आप मत रहो चुनाव तक। तो सुना आपने, बालाघाट से बसपा प्रत्याशी अपनी विधायक पत्नी को कह रहे हैं कि 19 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक घर छोड़ दे। दरअसल पूर्व सांसद कंकर मुंजारे बालाघाट लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हैं और उनकी विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में जुटी हैं, जिससे नाराज होकर कंकर अपनी पत्नी अनुभा को दो टुक सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 19 अप्रैल तक यानी मतदान होने तक घर छोड़ दे। अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। और दूसरी बात मैं एक बोलना चाहता हूँ कि अनुभा मुंजारे जो जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है उस पर एक लाइन आखिरी में मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैंने अनुभा मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो, मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो, इस घर में आप मत रहो चुनाव तक। 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो, अपनी बहन के यहाँ चले, उनकी बहन यहाँ पर ने सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूँगा यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूँगा फिर। लेकिन यहीं पर रह के अनुभव मुंजारी प्रचार करे, मैं भी प्रचार करूँ, ये संभव नहीं है, ये सिद्धांत के खिलाफ है। बता दें कि बालाघाट में लोकसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब मुंजारे दंपत्ति के घर तक पहुंच गई है। एक ही घर से दो पार्टी के पक्ष में चल रहे प्रचार ने परिवार में पूर्व सांसद पति और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनकी विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया है। बता दें कि कंकर मुंजारे की पत्नी कांग्रेस से विधायक है और पति बसपा के प्रत्याशी, दोनों एक ही घर में रहते हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। अब देखना होगा कि अनुभा मुंजारे पति की नसीहत को मानकर घर छोड़ती है या नहीं। बालाघाट से अतुल वैद्य की रिपोर्ट, एमपी तक।